लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा। जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी। क्या उसको जांच हुआ? क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है? क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व है? क्यों नहीं आप भट्टी जैसे ईमानदार को आप डीजी बनाते? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है। कटिहार डीएम भाग गए, छुट्टी पर चले गए, क्यों भाई? सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोड़े थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए। क्या होगा बिहार का? जितना लाइसेंस अपराधियों को मिला है, जिनको भी मिला है, पैसे का खेल है, उसको सारे लाइसेंस को रद्द करे। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में बीते कुछ दिनों में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार पे काफी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वहीं रुपेश हत्याकांड को बीते 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि कब का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, कोई भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या कुछ कहा, किन किन अधिकारियों के बारे में क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा। 70 लाइसेंस, आपको इस बात की आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व है। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है? जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी, क्या उसको जांच हुआ, उस पर इन्वॉल्वेशन होगा? जो वरिष्ठ पदाधिकारी से नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रहा था, भगोड़े थे, भाग गए थे, उनको आपने भरा पद दे दिया पटना के सचिवालय में, सबसे बड़ा पद दे दिया। तो जब आप सीबीआई इंक्वायरी वाले को, आप भागे हुए लोगों को बड़ा पद देंगे तो क्या होगा, आप जरा बताए। क्यों नहीं आप भट्टी जैसे ईमानदार को आप डीजी बनाते, क्या कारण? आप फ्री हैंड है ना? कोई भी नेता इन्वॉल्व हो जिस हत्या में या अपराध में, जिस जमीन के और बालू के मम, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है, उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन कौन नेता बालू माफिया के साथ मिलकर के काम कर, उनकी भी इंक्वायरी आवश्यक। कटिहार डीएम भाग गया, छुट्टी पर चले गए, क्यों भाई? क्यों अभी तक आप, क्या आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? पीएचडी में यहां एक आईएएस बैठे हुए हैं जो परसेंटेज लेकर के काम करते हैं, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यह बात आ रही है कि रुपेश सिंह जी वहां भी बड़े बाहर के पद कॉन्ट्रैक्टर को ला करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। अब क्रिमिनल जो है, जो शूटर है, वो बाहर का है, तो दरभंगा से तार है कि सीमांचल से तार है, ये बेगूसराय से तार है। मेरा सीधा है कि जब ऐसे पदाधिकारी सत्ता में एक जगह पर बैठे रहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोड़े थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए, क्या होगा बिहार का? इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि सरकार, पदाधिकारी हो या नेता, उस पर कार्रवाई करे। तो जिस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के कुछ जिलाधिकारियों को घेरा और कहा कि वे जबरदस्ती
बिना सरकार के परमिशन के अवैध हथियार लोगों तक बांट रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं रुपेश हत्याकांड का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार पुलिस लगातार नाकाम साबित होती दिख रही है, वहीं डीजीपी भी काफी गुस्साए हुए नजर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहां तक कह दिया कि 2019 में ज्यादा कांड हुए हैं 2020 के मुताबिक। जो अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप बिहार के पूर्व डीजीपी से बात करें। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।